छप्पर गिरा और 5 फीट से 2 फीट की रह गई। यह महिला कानपुर के धरऊ गांव की शांति देवी आजकल चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। उनके इस तरह से चर्चा के केंद्र में रहने के पीछे कारण यह है कि बीते 25 सालों से लगातार उनका कद घटता जा रहा है। एक दुर्घटना के बाद जख्म तो भर गए, लेकिन कभी 5.25 फीट की रही शांति देवी की लंबाई अब महज 2 फीट रह गई है। अब 60 साल की शांति देवी चल फिर नहीं पाती हैं। परिजनों के अनुसार करीब 25 साल पहले घर के बाहर छप्पर रखा जा रहा था। घर के बाकी लोगों की तरह शांति देवी भी मदद कर रही थी। इसी दौरान छप्पर की एक धनी सरकी और पूरा छप्पर शांति देवी के ऊपर आ गिरा, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गई। पति गंगाचरण कुशवाहा तथा अन्य लोग अस्पताल ले गए। कुछ दिनों बाद ठीक हुई तो उन्हें घर ले आए। बेटे विमलेश ने बताया कि हादसे के करीब 3 महीने बाद उन्होंने शरीर की पूरी हड्डियों में दर्द की शिकायत की। कुछ समय बाद शांति देवी के कद में कमी आनी शुरू हो गई। 4 महीने में 0.5 फीट तक लंबाई कम हो गई। फिर डॉक्टर को दिखाया तो कई जांच हुई, दवा भी हुई, मगर फायदा नहीं हुआ। एक शहर से दूसरे शहर के डॉक्टरों के यहाँ दौड़ लगाती रही, मगर लंबाई घटनी कम नहीं हुई। कुछ साल में ही शांति देवी की लंबाई 1.5 फीट कम हो गई। वहीं फायदा नहीं होने पर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। थक हार कर घर के लोग बैठ गए। अब शांति देवी की लंबाई केवल 2 फीट बची है। कद में थोड़ी थोड़ी कमी अभी भी आ रही है।